और फिर वहाँ दो लोग थे, और जिन हालात से हम गुजरे हैं क्या उसमें हम दोनों बहादुर साबित हुए? खैर मुझे कोई शक नहीं, होना भी नहीं चाहिए, आखिरकार हम गौम के महान देवता हैं, है ना? गौम के असली देवता हम हैं, और हमारे दोस्त भी हमारे साथ नहीं हैं, ना ही शक्तियाँ। फिर हमें दुगनी ताकत के साथ लड़ना होगा, जब तक तुम ये निश्चित नहीं कर लेते कि तुम मुकाबले के लिए तैयार हो। तुम्हें पसंद नहीं आएगा, तुमने अपनी पूरी जिंदगी बादलों में जी है, यहाँ नीचे बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। मैं मुश्किलों का सामना कर सकता हूँ एग्रोम। ये सब क्या था? तुम्हारे लिए ये सब काफी था? वो देखो, वो लोग वापस आ गए। तुम इन लावा कॉमेडीज को जानते हो नॉक्टिस, जो हवाई हमले करते हैं? नहीं मैं नहीं जानता। उन्हें समझाने की कोशिश करो कि ये नामुमकिन है। चलो नॉक्टिस, इन सब से बाहर निकलते हैं। ये प्रकृति कब से बदल चुकी है नॉक्टिस, और ये मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ? एग्रोम, ये सब मैंने पहले भी देखा हुआ है, ये लोग मेरे लोग हैं, लावा कॉमेडीज नहीं। ये वही हैं जिनमें एंडल मुझे बदलना चाहता था, ये और कोई नहीं, ये एक लावा आर्कएंजल है। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो लोग उन्हें यही बुला रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे लोग कभी ऐसा नहीं कर सकते, वो मैगर के वश में है। अच्छा अगर ऐसा है तो हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि उन्हें ज्यादा चोट ना पहुंचे जब हम उनसे लड़ें। पृथ्वी की शक्ति उजागर हो। हम उनसे लड़े इससे तुम्हारा क्या मतलब? हवा की शक्ति उजागर हो। मार डालो ने। शाही ताली कैसी रहेगी अग्रोम? ये सब करने से पहले क्या तुम मुझे बता नहीं सकते? अगली बार बिना बताए ऐसा मत करना। हाँ ठीक है, इतने जज्बाती मत बनो। वो वापस आ रहे हैं, रेत की परत कैसी रहेगी नॉक्टिस? बढ़िया विचार है। रेत की परत। देखो ये तो कोंडो है। ये तो एग्रोम है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो कोंडो? किसी को तो पृथ्वी के साम्राज्य का रक्षक बनना ही था जब तुम नहीं थे। गायरो सामना करो मेरा। गायर, क्या ये नाम गलत संदेश नहीं भेजता? बुरा मत मानना पर तुम भी किसी कायर से कम नहीं हो दोस्त। देखो ये नाम भले ही अजीब लगता हो पर ये सच में मनोवैज्ञानिक है। कायरों से मार खाने से बुरा कुछ भी नहीं होता, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है। अब समझे मेरी बात तुम? क्या तुम्हें भी मेरी बात समझ आई? हैरानी की बात है, वो ईगल पीक के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो हवा के साम्राज्य की राजधानी है। ये नहीं हो सकता, ईगल पीक और हवा के गोमिटी हवा के हमले से सुरक्षित होने चाहिए। हमें कुछ करना होगा। तब नहीं जब उनके लोग ही हमला कर रहे हो। मैं उन्हें सिंहासन कक्ष में उल्लंघन करने नहीं दे सकता। तुम्हारा मतलब है हम उन्हें उल्लंघन करने नहीं दे सकते? मैं तुम्हारे साथ ऐसे लड़ूंगा जैसे वो मेरे लोग हैं, और मैं ऐसे दिखाऊंगा कि उनके लिए और हमारे लिए एक योजना है। क्या तुम सबको मैं याद हूँ?
ओ, तो तुम्हें याद है मैं खुद के लिए बुरा महसूस करने लग गया था। मुसीबत ये है कि तुम लोग ये भूल गए कि हम दो लोग हैं। टोर्नेडो ब्लेड बनाओ। ध्यान से, उन्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। धरती को दोष दो। तुम बहुत ज्यादा मजे ले रहे हो एग्रॉम। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम पहले का गुस्सा इन एयर गोमिटी पर निकाल रहे हो। सुनो, हमारी योजना उनका ध्यान भटकाना है, यही थी ना? खैर, मैं कहता हूँ कि युद्ध पूरा हुआ, अब आओ और चलो चलो भी। ओ, ओ। हवा के राज, ऐसा लगता है मानो पूरा साम्राज्य मुश्किल में है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना दुखी होंगे, और फिर उनके पास दुखी होने का एक कारण भी है, लगता है और कोई भी है। मैं संभाल लूंगा, तुम वहाँ मुझसे जल्दी पहुँच सकते हो। नहीं, हम इसे एक साथ करेंगे। मुझे इस मेहरबान और विनम्र नोक्टिस की आदत नहीं है। इसकी ज्यादा आदत मत डालो। हाँ, हमें कुछ और शक्तियों की जरूरत पड़ेगी, और वो भी बहुत जल्दी, समझ गए तुम? तुम्हारे पास कोई और तरकीब है? हाँ, अब होगी बुराई की हार। इस पर पैर रखो और सीधे चलते रहो। क्या इसके अंदर जाने का कोई और रास्ता है? बेशक, बकवास मत करो। काश मुझे पता होता, पर मुझे दुख है कि मुझे नहीं पता। पर ये तुम्हारा सिंहासन कक्ष है, तुम कैसे नहीं जानते कि अंदर कैसे जाना है? हम कभी भी ऐसे छुपकर अंदर नहीं गए। बेशक तुम नहीं गए, और जाओगे भी क्यों? कोई ईगल पीक पे हवा से हमला क्यों करेगा? हाँ, नॉक्टिस, जल्दी करो मेरे बच्चे, दरवाजा हमेशा खुला नहीं रहेगा। तुम पहले जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। रुको, ये जगह सिर्फ हवाई गोमिटी के लिए है। माफ करना यही नियम है, और नियम की इज्जत करनी चाहिए। आपने बस मुझे मौत के मुंह में डाल दिया। अब मुझे पता चला कि नौकरी से इतना घमंडी क्यों है। तुम लोग दूर से बहुत बहादुर लगते हो, क्यों ना तुम थोड़ा पास आ जाओ? ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। पत्थर का हथौड़ा बनाओ। माफ करना दोस्तों, अब यही चारा है। बहुत बहुत शुक्रिया नॉक्टिस। जनाब, आपने अभी क्या किया? हम एग्रॉम को वैसे अकेला नहीं छोड़ सकते।
वो भी गोम का देवता है जैसे कि मैं हूँ पिताजी। वो हवाई गोमटी का नहीं है, पिछली बार उसका स्वागत करके हमने सबक सीख लिया है, अब फिर से नहीं। और मैं पृथ्वी, जंगल और पानी का नहीं हूँ, फिर भी उनके राजकुमार और पूरा साम्राज्य मेरे साथ खड़ा रहा पिताजी। देखो, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, यही यहाँ का नियम है और नियम का पालन होना ही चाहिए, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। एग्रोम वहाँ बाहर हमारे साम्राज्य के लिए लड़ रहा है पिताजी, और हम यहाँ खड़े हैं। बुरा मत मानना पिताजी, पर आप सब जो कर रहे हैं वो एक कायरता की निशानी है, ये सब आपको शोभा नहीं देता। अगर तुम सबको अपनी जान इतनी प्यारी है तो अपनी जान बचाओ, पर मैं अग्रोम की मदद करने जरूर जाऊंगा। हम यहाँ अपनी सुरक्षा के लिए रुके हैं, जाने कितने हवा के गोमटी लावा के हवाले हो चुके हैं। सुरक्षा? मैं इसके बारे में सुरक्षित महसूस नहीं करता पिताजी, मैं अग्रोम को वापस ला रहा हूँ। माफ करना मैं देर से आया, हवा की शक्ति उजागर करो। तुम सच में देर से आए, अब आ भी जाओ दोस्त। तुम कहाँ थे और हम जा कर रहे हैं? हमारा एक पारिवारिक झगड़ा हुआ, तुम नहीं समझोगे, अब हमें अंदर जाने की कोशिश करनी चाहिए ईगल पीक को बचाने के लिए। ओ, ये तो हवा के नियमों का उल्लंघन करना होगा। मैंने फैसला लिया है कि हवा के नियम बेकार हैं और एक गौम का देवता कभी गलत नहीं होता। अपने पिताजी के खिलाफ खड़े होने में हिम्मत लगी होगी, पर क्या तुम्हें यकीन है कि ये सही दिशा है जाने के लिए? नहीं, मैं मेरे खुद के साम्राज्य का रास्ता अच्छी तरह भूल गया। कस के पकड़ लो एग्रोम। क्या तुम बताओगे कि हम कहाँ हैं? शांत रहो, हम बिल्कुल ईगल पीक के सबसे नीचे वाले हिस्से में, एग्रोम प्रिजन लैबरिंथ। किसके नीचे? हाँ, शायद एयर साम्राज्य को नियमों पे कम और शहर की योजना पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो आवाज क्या थी? हाँ, तुमने सुनी? मैं तुम्हें बताना भूल गया, इस शहर के नीचे बहुत खतरनाक चीजें हैं, बिना सवाल किए मेरे पीछे आओ। मुझे मानना पड़ेगा, तुम इस गुफा को अंदर बाहर से जानते हो। खैर, मुझे इन्हें जानना चाहिए, मैंने अपना सारा बचपन यहीं बिताया, यही वो जगह है जहाँ मैं बड़ा हुआ, और ईगल पीक शहर की सारी योजनाएं यहीं से बनती हैं। सारे घुसपैठिए यहीं से घुसते हैं। क्या तुम हमारे लीडर विंड टनल को जानते हो? तुम्हारी याद सच में अच्छी है, शायद मैं किसी दिन यहाँ पर संन्यास लेने आऊंगा। क्या वो तसारू? अब उसे क्या हुआ? शायद हमें मदद लगेगी, अद्भुत शक्ति, उजागर हो जल्दी। जरा उसे देखो। असली तसारू, असल में उसके शरीर में कैद हो गया है, हमें उसे बचाना ही होगा। नॉक्टिस, ओ, हमारे साथ कोई है? हम यहाँ घुसपैठियों को खत्म करने के लिए आए हैं। आराम से शांत हो जाओ, ये राक्षस मेरा दोस्त है, तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। तुम्हारा मतलब है हम दोनों का सामना? एक बाहर वाला शाही सैनिकों को चुनौती देता है और दूसरा ईगल स्पीक को अंदर से नष्ट कर देता है, और फिर भी तुम उसका साथ देना चाहते हो? सवाल पूछने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। मैं बस वही कर रहा हूँ जो मेरे साम्राज्य के लिए बेहतर है। और हम गोम के महान देवता हैं, क्या तुम ये भूल गए? हाँ, पर तुम्हें यकीन है कि क्या उसे याद है ये? बहस करने का कोई मतलब नहीं है, वो हमारे साथ हैं। या वो था जब तक वो पागल नहीं हुआ था। मैं रोवन और सीरीसिस को संभाल लूंगा, तुम तसारू का ध्यान रखो,
टोर्नेडो ब्लेड्स बनाओ। ये बाहर वाले इस तरह नहीं मानेंगे, चलो इन्हें खत्म कर देते हैं। हमें इससे बेहतर कुछ करना पड़ेगा। अद्भुत शक्ति इस्तेमाल करने का ये सही वक्त है। तुम क्या कहते हो एग्रोम? यार मेरे लिए इन दोनों बेवकूफों को सही साबित करना आखिरी चीज होगी। रेत की परत बनाओ। मुझे नहीं लगता कि वो हमसे लड़ रहा है, वो बस हमला कर रहा है। हाँ जरूर यही बात है, उसने तुम पर हमला किया है ग्रॉम। सिर्फ तभी जब उसने उस तलवार को अपनी ओर आते देखा। उसे भागना है क्योंकि वो अपने साम्राज्य के संपर्क में नहीं है। क्या पूरे वक्त वो तुम्हारे इस झोले में छुपी हुई थी? हम पहले भी इसकी मदद ले सकते थे एग्रोम। एग्रोम, वो लावा उसे उबालता है जैसे वो हम सबको उबालता है। वो कमजोर लग रही है और ये इसी तरह तड़पती रहेगी जब तक मैगर की आग में पूरा गौम रहेगा। हमें कुछ करना होगा। हो? हाँ? मेरे पास इस खतरे के लिए एक योजना है। पहले मुझे खतरे को समझना पड़ेगा, तभी योजना कामयाब होगी। पूरे सम्मान के साथ पिताजी, चलो सबको अंदर बंद करते हैं और एक अच्छी योजना बनाते हैं। मुझे माफ करना पिताजी, पर आपकी योजना इतनी कारगर नहीं रही और आप डरे हुए भी लग रहे हैं। बेहतर होगा ये काम हम करें। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लगता है कि भूचाल आने वाला है। अब तुम ये बेवकूफी की बहस करना बंद करो और मेरी योजना को ध्यान से सुनो और पालन करो। हम जानते हैं कि आपकी योजना क्या है, अपने सिपाहियों से कहिए हट जाएं। ओ, मुझे लगता है उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। चिंता मत करिए महाराज, हम आपको बचा लेंगे। जल्दी करिए महाराज, इसके पहले की लावा हमें घेर ले चारों तरफ से। अब हमें क्या करना चाहिए नॉक्टिस? अब हम हवा के साम्राज्य को बचाएंगे, मेरे पिताजी की मदद के बिना या उसके साथ। ठीक है, लीड करो दोस्त। पीछे मुड़कर मत देखना, किसी प्रकार की झाड़ी हमारा पीछा कर रही है। नहीं, वो हमारा पीछा कर रहा है क्योंकि हमें बाहर जाने का रास्ता पता है। देखो अगर तुमने इसको जितनी जल्दी खोल दिया उतनी जल्दी हम बाहर निकल जाएंगे। हम इसे लावा को निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तेज हवा का झोंका। देखो वो शांत हो रहा है, हमें और भी कुछ करना चाहिए। चलो फिर देर किस बात की, सब लोग पीछे खड़े हो जाओ। अद्भुत शक्ति को उजागर करो। ये सब क्या हुआ? कोई बाहरी हमला हुआ है, साम्राज्य बचाना होगा। महाराज नादर! ये तो मेरा साम्राज्य है। माफ करना, दिमाग कमजोर है, ज्यादा सोच नहीं सकता। तुमने इस साम्राज्य को और इस दीवार के अंदर की हर जीवित चीज को लावा के प्रभाव से बचाया है। गोम्स, तुम्हारी वजह से सब बदलाव आया है और बदले में तुम भी हो। ये
ये सब तुमने क्या कर दिया? हाँ? तुम इस जगह के नहीं हो, तुमने मेरे साम्राज्य को बर्बाद कर दिया। ईगल पीक के लोग पूरी तरह से कैद थे, इस दीवार को गिराने के लिए आपको हमें शुक्रिया कहना चाहिए पिताजी। सभी लावा से छुटकारा पाने और सबको बचाने का जिक्र मत करो, इसकी जरूरत नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैगर को तभी हराया जा सकता है जब पूरा साम्राज्य एक साथ हो। सुनो महाराज, इतना अंधविश्वास ठीक नहीं, कभी कभी दूसरों पर भी भरोसा कर लेना चाहिए। अगर आपने हवा के साम्राज्य को बाकी गोम से दूर रखा तो आप इसे खुद ही बर्बाद कर देंगे पिताजी। इसके पिताजी इससे भी ज्यादा जिद्दी हैं। चलो यहाँ से निकलते हैं, गोम को हमारी जरूरत है। तुम सब कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं पानी के गोमिटी को बचाने। हमें पायरन को ढूंढना ही होगा। क्या तुम लोगों को मेरी याद आई जब मैं यहाँ नहीं था? और अब नॉक्टिस हमारा लीडर है क्या? मैं बाद में समझाता हूँ, पर चलो आज के लिए कहते हैं कि नॉक्टिस प्रशंसा के लायक है।